बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे, मज़े में रखे। मैं लाई हूँ आज आप लोग के लिए रेशमी चिकन कढ़ाई। और इसके लिए मैंने पहले चिकन ली थी, मैंने 1.5 किलो चिकन ली थी। और अगर आप चाहें तो बोनलेस में बना सकते हैं, आप चाहें तो हड्डी वाले चिकन भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन पीस लिए थे। इसके अंदर मैंने हल्दी डाली 1 टीस्पून, पिसी मिर्च डाली 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून के अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला। और यहाँ पर जो है दही डाल रही हूँ मैं, तकरीबन मैंने 1.5 से 2 प्याले इसके अंदर दही ऐड करा है। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे हाथ से। जो है मैं हमेशा हाथ से काम करती हूँ, क्योंकि हाथ से मिक्सिंग आप करते हो तो बहुत अच्छी होती है और एक टेस्ट भी आता है। तो इसके अंदर फिर मैंने हरा धनिया डाला है 1/2 बंच, और लेमन डाल रही हूँ 1/2 लेमन जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मेरे पास बड़ा लेमन था, अगर आपके पास छोटा है तो आप पूरा ऐड कर दें। और फिर हम इसके ऊपर कोयले का धुआं देंगे। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कटोरी है, कोई भी चीज़ है वो आप रखें, उसके ऊपर आप कोयला रखें, थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको अच्छे तरीके से जो है कवर कर दें, और ताकि अच्छे तरीके से जो है पूरी चिकन के अंदर हमारा जो है एक फ़्लेवर आ जाए, स्मोकी फ्लेवर। और उसके बाद पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने 3 दरमियानी प्याज जो है रफली चॉप करके डाल दी है, मोटी मोटी जो है मैंने कट करी थी, और इसके अंदर डाली, इसको सौते करी, इसके अंदर हरी मिर्च डाली 7 से 8। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च भी जो है बढ़ा सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर कैश्यू डालूंगी, काजू मैंने इसके अंदर 1 प्याली डाले हैं। इन सब चीज़ों को जो है पहले प्याज को सौते कर लिया, इन थोड़ी चीज़ों को जो है फ्राई करने के बाद इसको मैं किसी प्याले में निकाल लूँगी, इसका पेस्ट बना लेंगे हम इसी तरीके से। अगर ये ना पिसे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है पैन के अंदर, उसी पैन के अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को पहले थोड़ा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बना के रखा है काजू प्याज और हरी मिर्चों का, वो मैं जो है इसके अंदर ऐड करूँगी, और फिर जो है इसको हम पकाएँगे। बेसिकली प्याज को फ्राई करने का मेरा मकसद ये था कि कच्ची प्याज जो होती है ना वो एक अजीब सा फ्लेवर देती है, तो प्याज को जब हम थोड़ा कच्चा पक्का जो है फ्राई कर लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसका आप फिर पेस्ट बना लें, और काजू हरी मिर्च भी जो है मैंने फ्राई करें, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा कढ़ाई का। इनको फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 इलायची, 2-3 मैंने लौंगे ली थी, काली मिर्ची और एक बड़ी इलायची, और ये डालने के बाद फिर मैंने अपनी मैरिनेट की हुई चिकन डाल दी है। आप चाहें तो चिकन को 10 से 15 मिनट जो है मैरिनेट करके रख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी इसको पका सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स करेंगे, और इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं होगा। सब चीज़ें मैंने चिकन के अंदर डाल दी थी, सारे मसाले, बस मैं इसको जो है कवर करके इतनी देर तक पकाऊंगी कि हमारे चिकन जो है गल जाए और सारे मसाले जो है आपस में मिक्स हो जाएं। बस तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट इसकी लीड लगाई थी, उसके बाद मैंने खोला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारी गल गई थी, थोड़ा सा चिकन ने भी पानी छोड़ा था। तो मैं पानी को खुश करूँगी, ग्रेवी हमने जो है इसकी थिक रखनी है। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी डाल ली हूँ। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से रगड़ के डालेंगे तो उसके अंदर एक टेस्ट, एक फ़्लेवर पैदा होता है। फिर मैं इसके ऊपर 1/2 प्याली जो है क्रीम डालूँगी, और क्रीम डालने के बाद भी मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि सब चीज़ों का कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए और हमारी कढ़ाई जो है थोड़ी और थिक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी थिक हो गई थी। फिर मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा मैंने भुना था और उसको कूट लिया था, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, और हमारी रेशमी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर दोबारा क्रीम से गार्निश कर सकते हैं, इसके ऊपर आप हरा धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग था, नो डाउट। आप बड़े बड़े जो है होटलों में जाके भी खाएंगे तो आपको ये फ्लेवर नहीं मिलेगा, मेरे कहने से आप इसको ट्राई करिएगा, इतने मज़े का इसका फ्लेवर था। इसको आप पूरी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगेगी। दावतों में आप लोग इसको बना सकते हैं, एक मज़ेदार सी रेसिपी, बिल्कुल यूनिक रेसिपी जो है मैंने अब तक पहुँचाई है। मेरे कहने से आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।